नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बातरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम नमो नारायणाय। इस सायं संध्या में यहाँ अद्वैत वेदांत विषय पर, अद्वैत वेदांत परंपरा का क्या स्वरूप रहा है, इसको श्रवण करने के लिए यहाँ समुपस्थित सभी शंकर दूतों को अपने ही स्वरूप आत्मभाव में अभिवादन करता हूँ। यह न्यास का एक विशेष प्रकल्प है कि जिस पर न्यास काम कर रहा है उस विषय को जन साधारण तक पहुंचाए, सबके जीवन में उससे कुछ प्रयोजन हो, ये उद्देश्य है। आगे आने वाले समय में न्यास का एक कार्य एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और सभी गुरु परंपरा के आशीर्वाद ऐसे कार्यों में बने रहेंगे। हम विषय का चिंतन प्रारंभ करते हैं क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है। जब हम अद्वैत परंपरा का चिंतन करते हैं तो हम दो भाग में उसको विभाग कर सकते हैं। एक भगवत्पाद शंकराचार्य जी के पूर्वकालीन अद्वैताचार्य,
और भगवतपाद शंकराचार्य जी के उत्तरकालीन अद्वैताचार्य, दोनों के अपने अपने योगदान रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कि जब हम परंपरा का चिंतन करते हैं तो हमारी परंपरा आर्ष परंपरा है। आर्ष का अर्थ ऋषि संबंध ऐसा होता है, तो ऋषि संबंध परंपरा है, ऋषियों से ये आरंभ हुई है। और वे ऋषियां कैसे थे, किस संस्कार से संस्कारित थे, क्या उनका जीवन में आचरण था, उसको हम कहते हैं वैदिक सनातन धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सत्य सनातन वैदिक धर्म यही आर्ष धर्म है, ऋषियों ने इसका आचरण किया है। आचरण करने का अर्थ अनुभव करना होता है। ये जो सनातन धर्म में जो कुछ कहा गया है इसमें कोई भी चीज कल्पना नहीं है, यानी मिस्टिक नहीं है। ये स्वानुभूत विषय है, स्वानुभूत जो अपने आनंद का अनुभव किया ऋषियों ने उसको प्रकट किया है, इसलिए इसको हम वास्तविक सिद्धांत कहते हैं, यानी रियलिस्टिक फिलोसफी है। कई बार जो चीज हमें समझ में नहीं आती है उसी को हम मिस्टिक कहते हैं, किंतु उसको समझने के लिए एक मेथोडोलॉजी होती है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के द्वारा जब हम उसको समझते हैं तब वो मिस्टिक नहीं रहता, रियलिस्टिक रहता है, साइंटिफिक होता है। हमारे वेदांत में एक उदाहरण दिया जाता है, एक मायावी का उदाहरण दिया जाता है, एक जादूगर। आप लोग सब जीवन में कभी ना कभी जादूगरी देखी होगी। तो जादूगर जादू दिखाता है, तो जो देखने वाले दर्शक हैं वो उनके जो दिखाना है उसमें जो कुछ वो जादू दिखाते हैं उससे बड़े अभिभूत हो जाते हैं, वाह वाह करते हैं। और प्रत्येक उसके कार्य में हम एक अद्भुत रस का अनुभव करते हैं, तो बड़ा अद्भुत हुआ, आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां व्यवस्था ऐसी होती है कि जादूगरी जो जादूगर करते हैं और जो हम देखते हैं हमारे बीच में एक बाधा होती है। वो ऐसी बाधा, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन होता है कि हम जादूगरी कैसे हो रहे हैं, जादूगर कैसे कैसे दिखा रहा है, इसको नहीं देख पाते। हमारे आंखें बंद हो जाती है जादूगरी के कारण, या उधर के जो लाइटिंग सिस्टम है, या कई कारण होते हैं, कई चीजें हैं उसमें, उसके कारण बंद हो जाती है। इसलिए हमें उसमें आश्चर्य दिखता है, अद्भुत दिखता है, बड़े मिस्टिक दिखते हैं। क्या उन्होंने दिखाया, क्या कला है। और कोई कोई चीज जो दिखाते हैं, और कोई फूल को वो पेड़ बना देते हैं और फल से पेड़ निकाल देते हैं, कैसे कैसे टेक्निक्स यूज करते हैं। भगवतपाद शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में अनेक जगह जादूगर के दृष्टांत दिए हैं, तो लगता है कि भाष्यकार ने भी अपने जीवन में कई बार जादूगरी का साक्षात्कार किया है, स्पष्ट है। तो इसमें देखिए कि जादूगरी कब तक जादूगरी है, जब तक उस जादूगरी का टेक्निक क्या है हम नहीं जानते, वो कैसे कर रहा है इसको नहीं जानते, तब तक वो जादूगरी है।
यदि आप उसको जान गए एक बार, आपने देख लिया कि इसके बाद ये करता है, इसके बाद ये करता है, और हाथ को ऐसा हिला देता है और मूवमेंट उसका ऐसा होता है और उसमें लाइटिंग का सपोर्ट रहता है, इसके बीच में वो सब कुछ करते हैं, तो हमें कुछ दिखाते हैं और कुछ पीछे कुछ और होता है। जैसा ही आपको ये मालूम होता है वो जादूगरी वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है, फिर वो उसमें कोई आश्चर्य नहीं रहता, फिर हम उसको पैसा देना भी नहीं चाहेंगे। जब तक वो जानकारी नहीं होती है तब तक हम उससे अभिभूत रहते हैं और उसको पैसा देते हैं, वाहवाही करते हैं। ये प्रपंच की रचना भी वैसे ही है, इसको हम उस दृष्टि से मैस्मरिज्म बोल सकते हैं, बहुत बड़ा मिराकिल है ये बोल सकते हैं, अद्भुत है बोल सकते हैं, किंतु इसकी भी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक डेवलपमेंट है, एक परिणाम है। उसकी जानकारी हमें वेद में वेदांत से मिलता है, तो वेद वेदांत, सो वेदांत तो आप जानते ही है, वेद का अंत भाग, अर्थात जितने वेदांत के उपनिषद हमें आज तक प्राप्त हुए हैं वे सारे उपनिषद हैं तत्तद वेद शाखा के अंत में मिलता है, लास्ट पार्ट ही मिलता है। जैसे वेद के 1180 शाखाएं मानी गई है मुक्ति को उपनिषद के अनुसार, अर्थात हमारे पास 1180 उपनिषदें होनी चाहिए थी, किंतु अब उतने नहीं मिलते हैं, अब मुश्किल से 180 के आसपास ही मिलते हैं। तो ये जितने उपनिषद हमें मिले हैं ये सारे उपनिषद उस वेद के शाखा के अंत में है। जैसे ईशावास्य उपनिषद आप देखिए अंत भाग में मिलता है, 40 अध्याय का शुक्ल यजुर्वेद है, उसके अंतिम में है ईशावास्य उपनिषद। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद, इस प्रकार केन उपनिषद, सभी ऐसा। इससे उसको वेदांत नाम दिया है, और यह वेदांत वेद का सार भी है। वो सार क्या समझाता है हमें, यह रहस्य समझाता है। यह प्रपंच रूप जो दृश्य है हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम निरंतर अनुभव करते हैं, ये कुछ इसका कुछ सत्य कुछ और है। हम जैसा अनुभव करते हैं वैसा ये नहीं है, इसके अंदर कुछ जानने योग्य तत्व है। उस ज्ञान को जनाने के लिए वेदांत प्रवृत्त होता है, इसलिए जाहिर है कि यह ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होगा, अनुभव वेद्य होगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वेद के जो भी तत्व कथन है वो अनुभव वेद्य होता है, यह अनुभव के बाद में बताया गया हो, अनुभव का ही बखान है, कोई कल्पना उसमें नहीं है। कल्पना तब तक है जब तक आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो आप उसको कल्पना करके छोड़ देते हैं, ये ऐसे कल्पना की गई है। इसलिए वेद और वेदांत रियलिस्टिक फिलोसफी है, मिस्टिक नहीं है। इसीलिए बिल्कुल जैसे आप साइंस का अध्ययन करते हैं, वहां आप प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और आपके आपके बहुत सारे फॉर्मूलाएं होती है, फॉर्मूलाओं का अध्ययन करते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन कॉम्पाउंड्स का। इसी प्रकार पूरे वेद में इस प्रकार के ही वर्णन मिलते हैं, लेकिन वेद के ऋषियों ने उसमें एक और किया है। जैसा आपको साइंस पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला याद करते करते आपको क्या लगता है ये बहुत बोरिंग है, ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल से आपको अध्ययन करना पड़ता है इसलिए आप कर लेते हैं, किंतु ऋषियों ने सोचा कि ऐसा इतना इसको पूरा थियोरिटिकल बोरिंग बना के रखेंगे तो लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, लोग आकर्षित नहीं होंगे, इसलिए ऋषियों ने उसको रोचक बनाया,
रोचक बनाने के लिए अतिशयोक्ति लगा दी उसने, कि जैसा कि आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगे, आपके मन आकर्षित हो। इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है कि कोई भी चीज में कोई अतिशय दिखता है, कोई अद्भुत दिखता है, तो कहते हैं कि उस समय उस क्षण में आपके दिमाग प्रफुल्लित हो जाते हैं, यानी दिमाग की बत्ती तुरंत जल जाती है। अरे ऐसा है तो आंख फाड़ करके देखते हैं और वो एक्सप्रेशन आता है, उसके साथ दिमाग काम करते हैं और उस समय जो कहा जाता है वो सीधा आपके दिमाग में चले जाते हैं, अरे ये ऐसा कहा था इस स्थिति में। लेकिन जब आप थके हुए होते हैं, बोर होकर के बैठते हैं, उस समय कुछ कहा जाता है तो उसको छोड़ने का मन आता है। इसलिए ऋषियों ने इसको रोचक बनाने के लिए इसमें बहुत सारे कथानक जोड़ दिया, अद्भुत लीलाओं को जोड़ दिया, और जो जो बातें कहते हैं अत्यंत अतिशय रूप से कहते हैं, जिससे कि आप उसमें आकर्षित हो, बार बार आप उसको मनन करने की इच्छा करें, आपके मन में वो उतर जाए। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि वेद का अध्ययन काल ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, अर्थात जब बच्चा 8 साल में गुरुकुल में जाकर के अध्ययन आरंभ करता है और 25 साल तक अध्ययन करता है, उस उम्र में होता है। अब छोटे छोटे बच्चों को, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चों को कोई भी चीज समझानी है तो आपको उसमें कथा जोड़नी ही पड़ती है। नहीं, हम ऐसे ही वेदांत के फिलोसफी बोलेंगे, कोई बच्चा समझेगा क्या? नहीं समझेगा, उसमें जोड़ना पड़ता है, जोड़ करके समझाएंगे तब समझते हैं। इसलिए ऋषियों ने इसमें कथा जोड़ दी है, उदाहरण के रूप में जोड़ दी है। इसको मीमांसक की भाषा में अर्थवाद बोलते हैं, अर्थवाद मन कथानक यही होता है। तो वेद, मूल वेद में ही बहुत सारे अर्थवाद हैं और मूल वेद का 80% भाग कर्मकांड है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। किंतु एक बात ध्यान रखें, वेद से लेकर के जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद है, वेदांग है, उपवेद है, स्मृति है, इतिहास है, पुराण है, काव्य है, 64 कलाएं हैं आदि, जितने भी ग्रंथ समुच्चय है, सभी का उद्देश्य एक ही है कि आपके जीवन में, इस संक्षिप्त जीवन में 4 पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए। 4 पुरुषार्थ क्या है आप जानते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो 100 साल का जीवन सामान्य माना गया है, एक औसत मान करके, लेकिन अभी थोड़ा कम भी हो गया, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा हो गया, जैसा भी है 100 साल औसत हम मानेंगे, तो उस जीवन में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसके लिए ही सारे शास्त्र प्रवृत्त, यहां तक काव्य भी उसी के लिए। आप रघुवंश काव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये धर्मार्थ आदि मिल ही जाएंगे, चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्टय मिलता है। अब उसमें जो धर्म, अर्थ, काम, धर्म क्या है कि जैसा हम अध्ययन करते हैं ना आजकल, अध्ययन किस लिए करते हैं? अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमें आगे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी सबकी जानकारी हो जाए। मैं किसके लिए योग्य हूं, कौन से काम करने के लिए, कौन सी नौकरी करने के लिए मैं योग्य हूं, ये जान करके उसी के अनुसार अध्ययन करके फिर आप योग्य बन करके उस काम में लग जाए। क्यों लगना है? क्योंकि आपको अर्थ चाहिए, धन चाहिए। तो धर्म का एक सामान्य अर्थ ये है कि ये जानकारी दे देते हैं, लेकिन इस जानकारी के साथ आज के और वैदिक अध्ययन में यह अंतर था कि आज के अध्ययन में तो केवल केवल अर्थ के लिए होता है, अर्थात धन कमाने के लिए जो भी करना है वही होता है, लेकिन उस समय के जो अध्ययन में ये अर्थ, काम, मोक्ष तक भी जानकारी वहां मिल जाती थी कि आपको मोक्ष पाना है तो क्या करना चाहिए। इसलिए उस समय भी गुरुकुल में रहने वाले कोई भी विद्यार्थी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए वो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको छोड़ा जाता था,
वो उसके लिए चुना हुआ मार्ग मान करके, तो ये व्यवस्था थी। तो उसमें मोक्ष शास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है और धर्मशास्त्र भी, ये सारे सम्मिलित हैं, क्योंकि एक जीवन में ये सब की जरूरत है। ठीक है, इस प्रकार से वेद बना हुआ है, क्योंकि वेद का तात्पर्य जानने से ही आप वेदांत को पहचान पाएंगे। तो ऋषियों ने कैसी व्यवस्था बनाई है वेदांत को जानने के लिए, ये जान पाएंगे। ये हमारे वेदांत परंपरा के जो मूल है वो वेद से ही है। तो ये जो चार पुरुषार्थ को कहा गया, अब इसमें आप सोचिए कि चार पुरुषार्थ में कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए? धर्म नहीं चाहिए क्या? धर्म तो अवश्य चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए ही यानी अध्ययन तो आप करना ही चाहते हैं, और अध्ययन के लिए इतने सरकारें काम करती है, सारे पैसे उसमें बहुत सारे खर्च करते हैं। उसके बाद अध्ययन किया तो आप क्या चुपचाप बैठेंगे? अध्ययन हो गया, सुबह हो गया, सो हो गया, जो हो गया, ऐसा करके बैठेंगे क्या? नहीं, जैसे अध्ययन पूरे हो जाते हैं, आपको ग्रेजुएशन मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो आप वहां से तुरंत अपॉइंटमेंट के लिए सोचते हैं। आजकल तुरंत नहीं, वहां अध्ययन शुरू होते ही अपॉइंटमेंट के लिए भी प्लान बना देते हैं। तो आप चाहते हैं कि जैसे मेरी डिग्री पूरी हो जाए तो मुझे कोई प्लेसमेंट हो जाए। इसका उद्देश्य है अर्थ, यानी आप धन कमाना चाहते हैं। ऐसा तो सेवा भाव हम बोलते हैं, सेवा के लिए बोलते हैं, लेकिन सेवा का भी एक तात्पर्य रहता है, निस्वार्थ सेवा नहीं है, निष्काम सेवा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि अर्थ आपके लिए आवश्यक है जीवन में, तो अर्थ को प्राप्त करना है। अर्थ को प्राप्त करने के लिए वेद में बहुत कुछ विस्तार है कि आपको धन कमाने की कोई तरीका नहीं आया तो यज्ञ करो, यज्ञ करने के बाद में उसमें फल होगा, फल के बाद में फिर नौकरी मिलेगी, ये जो मिलेगा सब कुछ मिलेगा, ऐसे बहुत सारे उपासनाएं सब कुछ है। ये भी अर्थ के विषय में है। अर्थ मैंने धन प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, धर्म धन जमा हो गया, तो क्या करेंगे आप उससे? अपनी इच्छाओं को प्राप्त करेंगे, यही तो करेंगे ना। जब पैसा जेब में आ जाता चुप तो बैठता नहीं, वो खरीदना है, ये खरीदना है, सारे ऑनलाइन सर्च करेंगे कि क्या क्या खरीदना है, उस हिसाब से आप सर्च करने जाते हैं। फिर आजकल अमेज़न के द्वारा वो क्या है वो सब कुछ मंगाते हैं, निरंतर इच्छाओं को प्राप्त करते हैं, जो आवश्यक इच्छाएं हैं उनको भी प्राप्त करते हैं, ये भी वेद में कहा। उसके बाद धर्म और अर्थ काम हो गया, काम में ये सारी इच्छाएं आ गई, समझ लीजिए। फिर उसके बाद होता है मोक्ष। अब मोक्ष के जब विचार करते हैं कि मोक्ष क्यों चाहिए, कि जब धर्म अर्थ काम हो गया उससे ही तो जीवन हो गया, मोक्ष की क्या जरूरत है? मोक्ष का अर्थ है कि ये जो दुख रूप बंधन है, दुख रूप ये संसार है, इसको कुछ काल तक भोगने के बाद इसमें से विरक्ति आ जाती है, उब जाता है, कहता है बस हो गया, अब मुझे परम शांति चाहिए, विश्राम चाहिए। तो उस परम शांति में, विश्राम में आप कब तक रहना चाहते हैं? अनंत काल तक रहना चाहते हैं। कि वो शांति कितने दिन के लिए चाहिए? दो तीन दिन के लिए नहीं, एंडलेस इन्फिनिट चाहिए। और वो आनंद कब तक रुकना चाहिए? वो भी सुदीर्घ हो जाए, और उसमें भी कोई परिश्रम न करना पड़े। बाकी तो हमने परिश्रम से कमाया सब कुछ, किंतु वो ऐसा आनंद होना चाहिए जिसमें कोई शारीरिक मानसिक परिश्रम ना हो। ये तो सभी चाहते हैं, इसलिए तो हम निद्रा प्राप्त करते समय अपना आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि निद्रा में कोई परिश्रम नहीं होता है, परिश्रम छोड़ करके विश्राम करते हैं। और भगवान ने एक नमूना दिया है, एक टेस्ट दिया है आपको कि हमारे पास ऐसी भी चीज है जो परिश्रम के बिना भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचेंगे जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, सब तक चिंता होती रहेगी, तो हम सोएंगे कैसे? खाएंगे नहीं तो सोएंगे कैसे? भूख लगेगी तो नींद नहीं आएगी, ये आप सोच रहे होंगे। ये बात सही है,
ये तो नींद के लिए नहीं होता है, नींद तो स्वतः ही आती है। आप खाओ ना खाओ, आपके पास पैसा जमा हो ना हो, या पंडित हो पामर हो कोई भी हो, निद्रा तो समान लगती है। तो उस निद्रा में ये मोक्ष का रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए प्रत्येक उपनिषद में वेदांत में मोक्ष का दिग्दर्शन कराने के लिए आपको निद्रा में ही ले जाते हैं, वहां ले जाके दिखाते हैं। तो वही जो अनंत है, उस आनंद में उस सुख में आप क्या अनुभव करते हैं? अकेला का अनुभव करते हैं कि अनेक का अनुभव करते हैं कि क्या अनुभव करते हैं? क्या मिलता है वहां आपको? आप अपने शरीर को याद करते हैं? नहीं, शरीर भूल जाता है वहां, और आपका मन भी काम नहीं कर रहा है। आपको यह भी पता नहीं कि आप मनुष्य है कि कोई और है, यह भी याद नहीं, वहां यह भी स्मरण नहीं। यदि कुछ भी स्मरण हो तो निद्रा अच्छी नहीं लगेगी, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सब कुछ जब भूल जाते हैं कुछ क्षण के लिए, तो वहां भरपूर आनंद होता है। अब आप बताइए, ये आनंद कहां से आया? ये तो पैसा से नहीं आया, शरीर से नहीं आया, मन से नहीं आया, किसी चीज से नहीं आया। ये आपके किसी दोस्ती भी नहीं, कोई दोस्त भी साथ में नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही है उस समय। निद्रा में किसी को स्मरण नहीं कर रहे ना। यदि किसी को स्मरण करते हुए ही आप रहेंगे तो भी जब निद्रा आएगी तो वो भूल जाएगा, तभी निद्रा आएगी। तो ये आनंद क्या है? ये जो अनुभव क्या है? ये अनुभव ही हमारा स्वरूप है। ये इतना आश्चर्य है कि भगवान ने हमको दिया है वो अनुभव क्या है करके दिया है, किंतु हम उसको पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं ये फ्री में मिल रहा है, क्योंकि जो फ्री में मिलता है ना उसको हम वैल्यू नहीं देते। ये हमारी आदत है, जो फ्री में मिलता है उसको कभी हम ध्यान नहीं करते, कभी हमारे स्मरण में नहीं आता। यदि पैसा देकर के कोई कार्य होता है, कोई श्रम से कोई कार्य होता है, तो हम उसको याद रखते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अभी ऑक्सीजन हमको फ्री में मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता, बिजली के लिए पैसा देना पड़ता है, पानी के लिए पैसा देना पड़ता है, रहने के लिए कमरे के लिए पैसा देना पड़ता है, सबके लिए देना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमें अभी पैसा देना नहीं पड़ता। हो सकता है भविष्य में उसके लिए पैसा देना पड़े। इसीलिए ऑक्सीजन के बिना तो जिंदगी नहीं, ऑक्सीजन प्राण है, प्राण के बिना जिंदगी नहीं, जीवन नहीं। लेकिन उस प्राण को कभी हम याद नहीं करते। सुबह उठ करके प्राण को कोई याद करता है क्या? लेकिन होना ऐसा चाहिए, सुबह उठ करके जो जीवन दादा प्राण है उसको प्रणाम करना चाहिए, हे प्राण तुमको प्रणाम, यदि तुम नहीं होते तो मैं क्या होता, इतना तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? हमें फ्री में मिल रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं। और उपनिषद कहते हैं प्राणो वै ब्रह्म, प्राण आत्मा है, प्राण ये जो श्वास 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 चल रहे हैं, ऑक्सीजन, ये आत्मा है, आपका स्वरूप है, जीवन है। तो ये ही हमारी स्थिति है, कि हमारा जो स्वरूप है वो हम सुषुप्ति में अनुभव कर रहे हैं, और वेदांत इसी को ही कहता है। इतना सरल है वेदांत, पता नहीं ये इतने कैसे कठिन लगते हैं सबको। बहुत ही सरल है, बहुत डायरेक्ट है। वेदांत को कठिन बनाना कठिन है, वेदांत को कठिन नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो डायरेक्ट बात करता है, सीधी बात, नेक बात करते, कुछ मिलावट नहीं उसमें। अब यदि आप निद्रा को समझ सकते हैं, निद्रा के जो आपके अनुभव को समझ सकते हैं, तो आप अपने स्वरूप को समझ गए, कि आप ये समझ गए कि मेरे स्वरूप में ये शरीर हमेशा नहीं है, मेरे स्वरूप में मेरा मन हमेशा नहीं है, मेरे स्वरूप में मेरा पुरुषत्व स्त्रीत्व आदि हमेशा नहीं है, मेरे स्वरूप में न धन है, न नौकरी है, न पढ़ाई है, न कुछ है,
मेरे स्वरूप में अहंकार भी नहीं है, पर्सनालिटी भी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। वेदांत इतना ही कहता है अहम ब्रह्मास्मि, उस ब्रह्म में कोई विशेषण ना लगाओ, सर्वव्यापक है ये कहता है। ये कब अनुभव होगा, ये मोक्ष स्थिति इसी को कहते हैं, और ये अनुभव को हम इन्फिनिट बनाना चाहते हैं। और इस अनुभव में तीन चीजें आपको अनुभव में आती हैं, एक तो सुषुप्ति में जो जिसको हम सुषुप्ति नाम से कहते हैं निद्रा, इसलिए मैंने निद्रा शब्द का प्रयोग किया, आप लोग निद्रा शब्द से ज्यादा परिचित है इसलिए, वैसे शास्त्र उसको सुषुप्ति कहते हैं। इसमें आप अपना अभाव का अनुभव करते हैं क्या, कभी भी? अभाव माने नॉन एक्जिस्टेंस, मैं नहीं हूं, मैं नहीं था, ऐसा अनुभव किया कभी है? नहीं किया, सोचा ही नहीं इसके बारे में, किया ऐसा? फिर क्या लगा था आपको, सुबह उठकर के आप बोलते हैं मैं अच्छी तरह कल सोया, मैं था वहां, मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हो गया। तो आपके पास शरीर आदि कुछ भी नहीं है तब भी आप वहां थे, तो आप किस रूप में थे? तो जिस रूप में आप थे यही आपका यथार्थ स्वरूप है, वो निर्विशेष है, यानी वहां कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी कंडीशनिंग कुछ भी नहीं है, अनकंडीशन्ड है। इसलिए आप कहां सो रहे हैं, कोई बिस्तर में सो रहे हैं कि नीचे सो रहे हैं कि कहां सो रहे हैं, ये भी पता नहीं चलता है। लोग बोलते हैं बहुत क्या हजारों रुपया खर्च करके जब बिस्तर लाते हैं उसी पर सोते तो आनंद आता है, ये बेकार है, निद्रा से उसका कोई संबंध नहीं। निद्रा जब आती है तो वो आती है, वो बिस्तर देकर के नहीं आती। तो उसमें आप निर्विशेष है, लेकिन एक अनुभव आपका पक्का है जो आप डिनाई नहीं कर सकते किसी हालत में, वो है कि आपका अस्तित्व, आपका वजूद, एक्सिस्टेंस, इसको कोई डिने नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, इसको डिने नहीं कर सकता। और कोई नहीं कहता है कि मैं कल रात को मर गया था और आज जो है जिंदा हो गया, ऐसा कहता है क्या? ऐसा कहता है तो आपको लोग भूत समझेंगे, अरे कल रात को सो गया आज सुबह भूत उठ करके आ गया, ऐसा तो नहीं समझता। तो आप भी सोए हैं, आप भी निद्रा में थे, आप भी उठ करके आ गए, इससे आपका अस्तित्व सिद्ध होता है। ये देखिए, ये साक्षात अनुभव है, यही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। दूसरा, आप अपने वजूद को, अस्तित्व को, अस्तित्व के लिए वजूद बोलते हैं, या वजूद एक ऐसे तो उर्दू शब्द है, लेकिन अस्तित्व संस्कृत शब्द है, अस्तित्व तो सभी समझते हैं, इंग्लिश में उसको एक्सिस्टेंस बोलते हैं। तो ये अस्तित्व जो है, अस्तित्व को आपने जाना कि नहीं जाना है? आप ये जानकर बोल रहे हैं कि मैं रात को कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं जानते हुए बढ़िया से सोया, अच्छी निद्रा आ गई, ये आप जानते हुए बोल रहे हो कि नहीं जानते हुए बोल रहे? क्या है, जानते हुए या नहीं जानते हुए है? उत्तर दे दो भाई, जानते हुए बोल रहे हैं कि जो मैंने कहा सही है कि गलत है? सही है ना? तो आप जान करके सुबह उठ करके बोलते हैं कि नहीं जानते हुए सुबह उठ करके बोलते हैं? जान करके, थोड़ा जोर से बोलिए ना, जान करके, सब लोग जान करके बोल रहे हैं ना, क्योंकि शायद आप लोग ऐसे पहले बार सोच रहे होंगे इसलिए उत्तर देने में थोड़ा विलंब होता है। अच्छा, जान करके बोल रहे हैं, आपने कैसे जाना इसको, किस उपाधि से कैसे जाना? आप मन से जाना, बुद्धि से जाना, किसी से जाना, किससे जाना, ये पता नहीं, लेकिन किसी ने कहा अनुभव से जाना, ये अनुभवी ही है, लेकिन जानने की उपाधि वहां क्या है ये भी हमको पता नहीं है। अभी जैसा मैं बोल रहा हूं मुझे पता है
कि मैं वाणी से बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, और मेरे मन में ये विचार चल रहा है, आगे ये विचार आने वाला है, और मन बुद्धि स्मृति वाणी सब एक साथ काम कर रहे हैं एक के बाद एक, ये मैं जान रहा हूँ, अवेयरनेस है मेरा। ऐसा ही मैं वहां जब सो रहा था कि मेरे अस्तित्व को मैं जान रहा था, मुझे उसका अवेयरनेस था, किंतु ये बुद्धि आदि कोई इंद्रिय वहां नहीं था, ठीक है ना। अब ये जो अवेयरनेस है इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, दिस इज द प्योर कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो अब जब वजूद को आप जानेंगे, अस्तित्व को जानेंगे, तो वो जाने बिना अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत गहराई पे तो नहीं जा रहा हूं, हैं? पता चल रहा है ना, क्योंकि मैं आपके अनुभव लेके बोल रहा हूं, मैं शास्त्र से जो है वो आएंगे उसमें हम, लेकिन आपके अनुभव है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है, यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है, इसलिए कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। और वेदांत यही कहता है जो अनुभव है आप डिनाई नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, वहां तक आपकी बुद्धि को ले जाता है, इतना ही वेदांत, इसलिए मैं बोलता हूं सरल वेदांत। तो ये आपने जाना, क्या जाना, अपने अस्तित्व को भी आपने अनुभव किया, और ये भी आपका पक्का है कि उस अस्तित्व को मैं जाना, लेकिन आपको समय का भान नहीं होता है, टाइम अवेयरनेस नहीं है वहां। आप रात को 10 बजे सोए होंगे या 10:30 बजे, आजकल तो 10-10:30 बजे का कोई मतलब ही नहीं होता है, 12 बजे 12:30 बजे कोई 2 बजे सोते हैं, कितने सोते हैं, मैं 10:30 बोलता हूं तो कई लोग हंसते हैं, तो 10:30 बजे कोई नहीं सोता है आजकल, जो भी होगा जितने बजे आप सोते होंगे, लेकिन वो समय और प्रातःकाल उठने का समय, बीच का समय, जब जागने के बाद में आप घड़ी देखते हैं इतना समय हो गया, मैं इतना समय सो गया, तब आप बताते हैं, लेकिन जब आप उस अवस्था में होते हैं तो आपको समय का भान नहीं है, यानी आप इस दुनिया से कहीं बाहर है, दुनिया का कोई संबंध आपके साथ नहीं है, उधर केवल आपको पलंग पे सोते हुए देखने वाला बोल सकता है कि यह व्यक्ति सो रहा है, अभी यह मरा नहीं है, जिंदा है, यह बोल सकता है, इससे अतिरिक्त तो उसका भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। देखिए कितना अद्भुत है यह अनुभव, और यही तो हमारा स्वरूप है। अब दो तो आप वहां समझ गए, एक तो अस्तित्व, दूसरा कॉन्शियसनेस। अब उसके बाद ये कुछ भी नहीं रहता है तो भी हमें अनुभव क्या हुआ था, आनंद का अनुभव हुआ था, रिलैक्सेशन का अनुभव। आप कितने भी बीमार हो, दुखी हो, आपको कितने भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप सो जाते हैं तब आप सीधा ब्रह्म के पास चले जाते हैं, और ब्रह्म पूरा आनंद को पूरा ही दे देता है। अरे ये व्यक्ति जो है ना खराब है, ये तो चोर है, इसको तो कम देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। छांदों के उपनिषद ब्यूटीफुली इसके बारे में कहते हैं, सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा मशको वा यद्यत् भवन्ति तदा भवन्ति, तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, भ्राता अभ्राता भवति, चोर चोरो भवति, स्तेनो अस्तेनो भवति। इससे सीधा कैसा बोल सकता है, बोला कि उस स्थिति में पहुंचने पर वहां स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, कीड़े भी नहीं, पतंग भी नहीं, शेर भी नहीं, सुवर भी नहीं, मक्खी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भेद नहीं रहता है, वहां एक ही हो जाता है, जो सोएगा वो सेम स्थिति में पहुंचता है। और माता अमाता भवति, माता भी माता नहीं रहती है, पिता भी पिता नहीं रहता, भ्राता भ्राता नहीं रहता, और स्तेनो अस्तेनो भवति का ये विशेष करके कहा, चोर भी सो जाता है तो वो चोर नहीं होता है उस समय। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया जो सोता हुआ चोर को भी मारना नहीं चाहिए, सोते हुए व्यक्ति को कभी मारना चाहिए, सोते हुए व्यक्ति को मारना बड़ा पाप माना है, उसको बहुत बड़ा दोष माना, क्योंकि उस समय उसका कोई दोष नहीं होता, दोष उसका दिमाग में है, दोष उसका शरीर में है, दोष उसके बुद्धि में है, अब वो उसमें जागृत नहीं है, वो उसके साथ उसका संबंध ही नहीं है, वो और कहीं सो रहा है, अब उसको मार दिया तो वो चोर कैसे हो गया, वो चोर है ही नहीं, वो उसकी वृत्ति छोड़ दिया है।
तो उस समय आप आनंद का अनुभव करते हैं, और उस आनंद का अनुभव की कितनी मात्रा है, उसकी डिग्री क्या है, कोई कंपैरिजन है उसका? कोई कंपैरिजन नहीं है। आइसक्रीम खाने से कितना आनंद होता है, वो यहां का चौड़ा पटोरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो खाने से कितना होता है, फिल्म देखने से कितना होता है, और मोबाइल में देखने से कितना होता है। ये सारे आनंद जितने आपके जीवन के आनंद को एक लिस्ट बना के देखो, कंपेयर करो निद्रा के आनंद के साथ, ये उसके सामने तो फीके पड़ जाएंगे, जीरो है। यदि वो आनंद नहीं मिला, निद्रा नहीं मिली, तो आपके ये सारे आनंद को आप फेंक देंगे। एक बार आप टेस्ट करके देखो, चाहिए तो, मैंने करके देखा है इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि यदि आपको एक दिन निद्रा नहीं मिली, दूसरे दिन निद्रा नहीं मिली, तो उसके बाद आपके सामने कुछ भी कोई भी ऑफर दे दे, कुछ भी बताए, आप सबको ना करेंगे, ये पक्का है। मोबाइल की तरफ तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि दिमाग पूरा घूम जाए। मैंने करके देखा है एक बार, और बिल्कुल एक अलग स्थिति हो जाती है। निद्रा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ऐसी स्थिति हो जाती, क्योंकि वही आपका, आपकी शक्ति वहां से निकलती है, आपका जीवन का स्रोत है वहां, इसलिए वहां कोई एप्लीकेबल नहीं होता। यही तीन है जिसको हम सत चित आनंद कहते हैं, एक्सिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस, जो आनंद है। अब एक और है, एक और इसके साथ विशेषण जुड़ता है, ये जो एक्सिस्टेंस है ना, जो सत्य है, जो अस्तित्व का अनुभव किया, ये टाइम के बाहर होने के कारण, यानी समय से बाहर है, मैंने बताया वहां को समय के पाबंदी है ही नहीं, इसलिए ये अनंत है, इन्फिनिट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या कितने आनंद का आप अनुभव किया, कितने आपने वहां आनंद वजूद का अनुभव किया, इसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, इसलिए आपका आनंद भी इन्फिनिट है, अस्तित्व का बोध भी इन्फिनिट है, और स्वयं कॉन्शियसनेस भी इन्फिनिट है, क्योंकि इन्फिनिट अस्तित्व का बोध स्वयं इन्फिनिटी होना चाहिए, वो फाइनाइट कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, इसीलिए अंध का अंध हो जाता है वहां, यानी लिमिट का ब्रेक होता है, वहां लिमिट है ही नहीं, इसको बोलते हैं अनंत। इस प्रकार ब्रह्म का चार लक्षण होते हैं, आत्मा का चार ही लक्षण है, स्वरूप लक्षण, सत चित आनंद अनंत, एक्सिस्टेंस, ब्लिस, कॉन्शियसनेस और इन्फिनिट। ये एक्सिस्टेंस इन्फिनिट, कॉन्शियसनेस इन्फिनिट, ब्लिस इन्फिनिट, ये सब कुछ हम चाहते हैं, इसी के लिए हम जीवन जी रहे हैं। आपको पूछेंगे आपको कितना आनंद चाहिए, कभी सोचा आप जीवन में मुझे कितना, कितने सुख की जरूरत पड़ेगी है? नहीं सोचा है, और सोचा नहीं तो आज जाकर के आज से सोचना शुरू कर, इससे आपका जीवन पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। आप जीवन का पूरा एक लाइफ प्लान बना दीजिए, मुझे इस जीवन में इतना सुख प्राप्त करना है, ऐसे ऐसे चीज प्राप्त करनी है, और उसका एक लिस्ट बना दीजिए, और उसी के अनुसार जीवन चला के देखिए, तब पता चलेगा कि ये इन्फिनिट ब्लिस क्या होता है। तो आप लिस्ट बनाते जाएंगे, कभी आपका लिस्ट का अंत नहीं होगा, रोज आपको नए नए मिलते रहेंगे, नए नए जोड़ते रहेंगे। उसका अर्थ क्या है कि ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप स्वयं इन्फिनिट हैं, तो आप अनंत हैं, उस आप कुछ भी सोचेंगे अनंत के बारे में ही सोच सकते हैं, या अनंत ही आप चाह सकते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप अनंत है, इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंत। इसी को ही हम वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप बोलते हैं, यही इस अनुभव को साक्षात्कार करना, इसी को ही मोक्ष बोलते हैं, यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। अब ये जो ज्ञान है, ये बड़ा कठिन है कि सरल है कि क्या लग रहा है,
मेरे लिए नहीं कहना, मैंने तो सरल बोल दिया इसलिए आपको सरल बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ये मैं अपने ढंग से बोला। आपको कठिन लग रहा है तो कठिन क्यों लग रहा है आप प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। ये बड़ा कठिन है क्या है? मैंने बोला मेरे लिए नहीं बोलना, कठिन नहीं, कठिन है तो कठिन बोलना, सरल है तो सरल बोलना। कठिन होगा आपको क्योंकि अब तक आप ऐसे विषय में सोचे नहीं। जिस विषय में अब तक आपने सोचा ही नहीं, ऐसा मैं एक शब्द बोलूं जो आप अभी तक सुने ही नहीं, तो आपको बड़ा कठिन लगेगा। द्वादश दर्शन कानन पंचानन, एक शब्द है, ये शब्द बनाया है, एक टाइटल है। तो ये शब्द जो पहले बार मैंने भी सुना था, मुझे भी समझ में नहीं आया था ये क्या बोल रहा है। द्वादश दर्शन कानन पंचानन, आपको किसी को शब्द का अर्थ समझ में आया? नहीं आया ना, तो क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए होंगे, आप कभी पहले सुना नहीं, इसका अर्थ नहीं है। अब डिक्शनरी में देखने पर भी नहीं मिलेगा आपको ये, आप डिक्शनरी में सर्च करके देखिए, द्वादश दर्शन कानन पंचानन नहीं मिल सकता है। ये एक शब्द बनाया गया, उसका अर्थ है द्वादश मन बारह, दर्शन मन दर्शन शास्त्र, बारह दर्शन शास्त्र है, नास्तिक आस्तिक मिला के। उस दर्शन शास्त्र रूप एक कानन है, मन जंगल है, वन है, उस वन में घोर वन है, उस वन में पंचानन है, पंचानन का अर्थ है शेर। तो द्वादश दर्शन रूप कानन में वन में शेर के समान जो विराजमान है, उनके लिए जो टाइटल देते हैं, बड़े बड़े पंडितों को टाइटल देते हैं, उसका नाम है। तो शब्द नहीं जानने से हम उसको बड़े कठिन मान लेंगे। क्या बताया, जो शब्द हम शब्द से हम परिचित है, जो हमारे विचार में पहले आए हैं, उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो बात मैंने की है, ये आपकी भी हमारी भी सबकी ही बात है, ये कोई अलग से फिलोसफी नहीं है, ये जो आप अनुभव करते हैं वो बात। अब देखिए, इस ज्ञान को, इतने सरल ज्ञान को समझाने के लिए वेद क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाती है, क्योंकि इस ज्ञान में आपको निष्ठा होनी है, इसमें आपको पक्का विश्वास होना है कि मेरा स्वरूप वही है, उससे अतिरिक्त नहीं, बाकी सब लीला है, बाकी सब माया के लीला के संबंध में आप लीला करते जाते हैं, माया विलास जिसको कहते हैं, आप अपने अपने विलास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने विलास होता है, इस विलास में आपकी एक दुनिया बन जाती है, वो आपके लिए होती है, जैसा आप स्वप्न में अपने लिए एक दुनिया बना देते हैं, फिर उसमें आप देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, इसको हम मूल कहते हैं, इसको वेद का सार कहा गया। वेद का कोई सार है तो यही है। अब वेद के जितने भी ऋषियां हैं, ये सब इस विषय में चर्चा करते ही हैं, परंपरा में आए हैं, लेकिन मैं एक विशेष परिचय देता हूं कि शंकराचार्य जी भगवान के पूर्ववर्ती अद्वैत आचार्यों के जो कोटि में आते हैं, उनका नाम है भर्तृमित्र। भर्तृमित्र नाम के एक आचार्य थे, कि वो उनका नाम अति प्रसिद्ध नहीं है, कारण क्या है, उनका कोई ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सभी कर्मकांडी बोलते हैं ये सारे कर्म करना चाहिए, कर्म के पीछे जाना चाहिए, उसको सारे करके उसके धीरे धीरे से अंतःकरण शुद्धि होगी, तब जाकर के ज्ञान होगा, ये सब कुछ बताते हैं, उसके लिए वेद प्रवृत्त होता है, 80% वेद का भाग पूरा कर्मकांड है, उपासना कांड है, इत्यादि इत्यादि सभी व्याख्या करते हैं। लेकिन भर्तृप्रबन जैसे एक मीमांसक आचार्य रहे, बहुत पहले, उनका समय का भी कुछ निश्चय नहीं है, लेकिन रहे हैं, उनके शब्द मिलते हैं, उन्होंने कहा कि ये वेद का सार विरक्ति है, यानी ज्ञान के लिए विरक्त होना ही वेद का सार है। ये कैसे, क्योंकि वेद तो कामनाओं के बारे में बताते हैं बहुत कुछ, तो सारा वेद का सार ऐसा कैसा हो सकता है, तो ये किस प्रकार की निंदा है। और वेद केवल हित ही कहता है, हमारे लिए जो चार पुरुषार्थ प्राप्त करना ये हमारा हित है, वो ही वेद कहता है। यदि ऐसा कहने वाला वेद आपको यहां से लेकर ले जाकर के कोई स्वर्ग में फंसा दिया,
कोई अन्य अन्य लोगों में फंसा दिया और वहां गया आप जो है लाखों साल वहां फंसे रहे, फिर वहां कोई विद्या प्राप्त करने के, ज्ञान प्राप्त करने के रास्ता ही नहीं मिले, तो ऐसा कैसा हो सकता है? तो भर्तृमित्र आचार्य का यह कहना है कि वेद का सार तो ज्ञान ही होना चाहिए, बाकी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो हमने उनके व्याख्या रूप ग्रंथ में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि वेद का उद्देश्य क्या है, ऋषियों का उद्देश्य क्या है, आपको मार्गदर्शन करना। कैसे उन्होंने ज्ञान में अद्वैत में लेके गया ये, इसको दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई अच्छे हितकारी व्यक्ति हो, शिष्ट हो, शिक्षित हो, वो किसी को मार्गदर्शन करता है। कोई आके पूछता है कि रास्ते पे जा रहा है, गांव में जाते हैं दूसरे, उस समय पैदल जाते थे, तो पैदल जाते जाते वो जो जाने वाला जो पथिक था वो थोड़ा रात में शराब पीने वाला व्यक्ति था, तो उसने रास्ते में जो मिला दूसरे पथिक जो शिक्षित था, शिष्ट दिख रहा था, उसको पूछा कि यहां शराब कहां मिलेगा। भरतमित्र जी कहते हैं कि अब वो जो व्यक्ति जो शिक्षा दे रहा है इनको, मार्गदर्शन करना है, अभी शराब खाना कहां है बताना है उनको, तो यदि वो उस व्यक्ति का हित चाहता है तो कभी उनको बोलेगा कि आप वहां से जाइए, आगे जाइए, फिर उधर जो है एक तालाब आएगा, तालाब के किनारे आपको दुकान मिल जाएगी, ऐसे करके बताएगा क्या? वो कोई दूसरे मार्ग ही बताएगा, कोई दूसरे मार्ग में जिससे कि वो बच जाए। तो भर्तृमित्र का ये कहना है कि वेद कभी भी आपको स्वर्ग ले जाने की बात नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के आप भोग में फंस जाएंगे और वहां कोई साधन नहीं कर सकता। इसीलिए स्वर्ग की जितनी कथाएं हैं ये सब आपको आकर्षित करने के लिए है कि स्वर्ग की कथा सुनकर के आप आए, फिर आपको इधर बिठा करके जैसा हम आपको सुना रहे हैं इस प्रकार से सुनाना है। यहां ये मिलेगा वो मिलेगा बोल के एडवर्टाइजमेंट लगाने से तब आते हैं लोग। हमारे एक स्वामी जी थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी करते, बहुत साल तक किया उन्होंने, 20-25 साल तक, गांव के बच्चे को पढ़ाने के लिए बुलाने के लिए रोज उनको खीर बना के खिलाते हैं, वो पूड़ी बना के खिलाते हैं, कुछ ना कुछ बना के खिलाते हैं। कई लोगों ने विरोध किया, आप ये क्या कर रहे हैं बच्चों को खिला खिला करके, लेकिन वो खाने के चक्कर में, मिठाई खाने के चक्कर में बच्चा वहां आते थे और उनको पढ़ाते थे। तो भर्तृमित्र ने ये व्याख्या की, हमें उस परंपरा में ये भर्तृमित्र बहुत बड़े आचार्य दिखते हैं इस दृष्टि से, लेकिन बाकी सभी ने उनका खंडन किया, उनको कहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है, स्वर्ग गावो ये जेदा बोले, स्वर्ग को आप नकार रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, स्वर्ग है, ऐसा करके उनका खंडन किया, इसलिए उनका ज्यादा प्रचार नहीं हुआ। तो ये पहले आचार्य हुए। फिर दूसरे आचार्य थे भर्तृप्रपंच, जिनका भी सिद्धांत का उदाहरण हमारे भाष्यों में बहुत आता है। ये भर्तृप्रपंच ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे, ज्ञान और कर्म दोनों को समुच्चय करके वेद में ले जाना है तभी जाकर के आपको मोक्ष प्राप्त होगा, ये वादी थे। तो ज्ञान कर्म समुच्चय का अर्थ आप समझ गए कि ज्ञान भी आपको चाहिए, वेदांत ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए, साथ साथ चाहिए। और ये भेदाभेदवादी थे, यानी भेद भी सत्य है अभेद भी सत्य है। जैसे वो वृक्ष के उदाहरण देते हैं, जैसा वृक्ष कहने पर कितना होता है वृक्ष, वृक्ष शब्द एक है ना, तो एक वृक्ष आपके दिमाग में आता है, लेकिन एक वृक्ष को आप ले लीजिए, एक वृक्ष, उस वृक्ष में क्या क्या है, अनेक शाखाएं हैं, और 25-30-50 शाखाएं मान लीजिए, फिर उस 50 शाखाओं में, उन 50 शाखाओं में उपशाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो भी और हैं, फिर उन शाखाओं में पत्ते हैं, ये भी अनंत है, अनगिनत है। तो एक वृक्ष वृक्षत्व एक है और उसके अंदर ये सारे भेद भी है, तो इसमें कोई विरोध है क्या? कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं, वृक्षत्व एक है और शाखाओं के रूप में अनेक है और सब मिलकर के एक है, तो दोनों का प्रयोग हो सकता है, दोनों सत्य है। जैसे समुद्र रूप से एक है
और तरंग लहरा आदि जो उसमें निकलते हैं उसके अनेक रूप भी है। इस प्रकार वो भेदा भेदवादी है जिसको भाष्यकार आदि ने सभी ने खंडन किया, ये दोनों सत्य नहीं हो सकते। तो वो बहुत ही अच्छी ढंग से उसको समझाते हैं, लेकिन वो फिलोसॉफिकली वहां भी हुआ, लेकिन ये भी एक अद्वैतवादी थे। ये भेदा भेद लेकर के अद्वैत को सिद्ध किया, जो कुछ हद तक लॉजिक लगते हैं, लेकिन कैसा कैसा उसका खंडन किया ये बहुत लंबी बात है, वहां तक नहीं जाऊंगा, मेरा समय भी समाप्त हो जा रहा है। तो इसीलिए ये भर्तृ प्रपंच को भी हम मानते हैं अद्वैत परंपरा के आचार्य रूप में मानते हैं। ये पूर्व आचार्य हैं, ये सब वैदिक आचार्य, और उनके बाद में जो परंपरा में आचार्य जी ने, भगवत्पाद आचार्य ने जिनके नाम लिए संप्रदायविद नाम से, यानी हमारे वेदांत संप्रदाय को जानने वाले, ऐसे नाम से बड़े आदर से जिनके नाम लेते हैं, उपवर्ष आचार्य, भगवान उपवर्ष, ऐसा आदर के साथ नाम लेते हैं, उपवर्ष आचार्य करके थे वे। पूर्व मीमांसा पर भी कार्य किए हैं और उत्तर मीमांसा पर भी कार्य किए हैं, तो उनका भी नाम लिया है उपवर्ष आचार्य। उनका ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन दोनों पर व्याख्या किए हैं उपवर्ष आचार्य। फिर उसके बाद द्रविड़ आचार्य नाम के आचार्य हैं, जिनका वचन का भी उद्धरण भगवत्पाद शंकराचार्य जी अपनी भाषा में लेते हैं। वो द्रविड़ाचार्य जी थे जो चतुर्सूत्री में भी उनका वचन है। और सुंदर पांड्य नाम के और भी आचार्य थे जो शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती व्याख्याकार रहे हैं ब्रह्मसूत्र के, उनके भी श्लोक के उद्धरण जो चार श्लोक चतुर्सूत्री में, ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ सूत्र में अंत में दिए हैं, वो सुंदर पांड्य आचार्य के हैं, ऐसा आनंदगिरि जी आदि टीकाकार कहते हैं। तो इनके पूर्ववर्ती आचार्य जिनको भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने सम्मान दिया, बहुत आदर के साथ लिया। तो ये सारे आचार्य परंपरा रहे। तो इससे क्या निकलता है कि शंकराचार्य भगवान के पहले भी बहुत प्रचार था अद्वैत का, माने सिद्धांत के रूप में, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अद्वैत का प्रचार था। आचार्य लोग बड़े बड़े आचार्य थे, अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये द्रविड़ाचार्य का वचन उद्धृत करते हैं, भगवद्गीता भाष्य में है, आप भगवद्गीता भाष्य के 13वां अध्याय के श्लोक में है। तो इस प्रकार के पूर्ववर्ती आचार्य रहे, और ये हम ऐतिहासिक दृष्टि से बता रहे हैं, आप अभी जो मैंने बताया ऐतिहासिक दृष्टि से है। इस प्रकार के आचार्य धीरे धीरे होते गए, फिर बाद में हम गौड़पाद आचार्य के नाम लेते हैं, फिर गोविंद भगवतपाद जी के नाम लेते हैं, लेकिन यहां से नहीं, इसके पूर्व में भी है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम। तो शुकदेव जी के बाद में गौड़पाद आचार्य के नाम आते हैं, ये परंपरा के दृष्टि से देखें। तो नारायण, भगवान नारायण स्वयं है, भगवान नारायण सभी नारायण उपनिषद नाम के एक महानारायण उपनिषद है, उनके नाम से ही है, उनके उपदेश ही मान सकते हैं, और पुराणों में उनके बहुत सारे उपदेश हैं, और नारायण के अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण के भगवद्गीता हमारे पास भगवान नारायण के अद्वैत दर्शन के ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। ठीक है, नारायण के बाद ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि वो पौराणिक परंपरा है, जो पहले मैंने बताया भर्तृमित्र आदि, ये ऐतिहासिक परंपरा है। पौराणिक परंपरा में नारायण पद्मभव का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के भी अनेक उपदेश आप पुराणों में प्राप्त कर सकते हैं, उनका एक अलग ग्रंथ से नहीं है, लेकिन पुराणों में भरा पड़ा हुआ है, ये सारे उनके उपदेश है। और पद्मभवम वशिष्ठम, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और एक गोत्र ऋषि है, सप्तर्षियों में एक है, और भगवान श्री रामचंद्र के कुल सूर्यवंश के कुलगुरु हैं, ऐसे वशिष्ठ महर्षि का योग वासिष्ठ नाम के ग्रंथ वेदांत का मूर्धन्य ग्रंथ है, बहुत विस्तार रूप से, जो अद्वैत दर्शन को माने कथाओं के माध्यम से सरल ढंग से राम जी के उपदेश के रूप में बताया गया है, यह ग्रंथ हमें प्राप्त है। तो वशिष्ठ हो गया,
तो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिं च, फिर शक्ति नाम के ऋषि थे। लेकिन शक्ति नाम के ऋषि का कोई ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं है, महाभारत और तत्र तत्र पुराणों में उनके वचन मिलते हैं। महाभारत में ही अधिक शक्ति के संबंध में कुछ चर्चा मिलती है। और तत्पुत्र शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च, तो पराशर महर्षि शक्ति के पुत्र रहे। तो पराशर महर्षि को हम जानते हैं व्यास जी के पूज्य पितामह पिता है। तो उस पराशर महर्षि के पराशर स्मृति और पुराणों में, इतिहासों में, महाभारत में पराशर के अनेक वाक्य मिलते हैं। और वेदांत के विषय में बहुत सारे वाक्य उनका उसमें मिलते हैं। पराशर स्मृति यद्यपि व्यावहारिक है, उसमें भी आध्यात्मिक चिंतन मिलता है। और पराशर जी के बाद भगवान वेदव्यास, जिनके जिनके लिए हम क्या कहें कि सनातन धर्म आज जो रूप में है, ये भगवान वेदव्यास के ही रूप में है। और यूं कहें कि सनातन धर्म का यदि कोई आकार है, कोई पुरुषाकार है, तो वो वेदव्यास जी है। आप उनके पुराणों को देखिए, 18 पुराण, 18 उपपुराण, इतिहास में महाभारत और वेदांत में ब्रह्मसूत्र, 555 अध्यायों में, 555 सूत्रों में, 4 अध्यायों में, 16 पादों में जो वेदांत सूत्र की रचना की, ये वेदांत के मूल ग्रंथ है जिसके आधार पर हम वेदांत को आज समझते हैं। ये एक ही इनके ग्रंथ हम वेदांत में साक्षात प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान वेदव्यास जी का, और भागवत आदि पुराणों में तो अद्वैत दर्शन का तो भरपूर उपदेश है। और उसके बाद उनके शिष्य और पुत्र सुखदेव जी, सुखदेव जी के नाम से तो सुखदेव जी भागवत में जो उपदेश दिया वो तो प्राप्त ही है, वो सारे ज्ञान उनको था वेदांत का, सुखोपदेश। और ग्रंथ के नाम से शुकाष्टकम नाम के एक ग्रंथ है जो सुखदेव जी के नाम से प्रसिद्ध है, बाकी तो पुराणों में ही मिलते हैं। और उसके बाद उनके शिष्य के रूप में गौड़पाद आचार्य आते हैं, सुखदेव जी के शिष्य गौड़पाद आचार्य। गौड़पाद आचार्य के ग्रंथ हैं वेदांत में हमें मांडुक्य कारिका नाम से प्राप्त है। तो मांडुक्य कारिका ही वेदांत के अत्यंत जो सूक्ष्म तत्व, जिसको हम अजादवाद समझते हैं, माने ये कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा जो व्याख्या करते हैं, वो वहां प्राप्त होता है। अब जब कुछ उत्पन्न नहीं हुआ वो कैसा है, आपको मैं पहले ही बता दिया, जैसा आप सुषुप्ति में जाते हैं वहां आपके पास कुछ उत्पन्न नहीं मिलता है, और वही आप इधर आके बैठे हैं, तो आपने उत्पन्न यहां तत्काल किया गया। इधर आपकी, आप जो सृष्टि करते हैं, सर्ग किया है, सृष्टि करते हैं, ये तात्कालिक है, इसको आप छोड़ेंगे, ये छोड़ने योग्य है। और ये प्रक्रियाएं हैं, उसको कभी अन्य अवसर में बताएंगे, बहुत सुंदर प्रक्रिया उसमें भी है। हम पूरा सिद्ध कर सकते हैं या बैठे बैठे कि आप भी उत्पन्न नहीं हुए और यहां भी कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, ये आप गौड़पाद कारिका से समझ सकते हैं। बिल्कुल लॉजिकली भी अनुभव में आप मानेंगे कि वास्तव में हम कुछ इधर उत्पन्न, कोई कुछ भी उत्पन्न नहीं है, लेकिन सुनने से आपको लगता है ये क्या बोल रहा है। सो देयर इज नो क्रिएशन, फिर क्रिएशन ही नहीं है तो बात क्या करना, ये प्रश्न आएगा। इसलिए वो बाद में बताते हैं, पहले ही क्रिएशन को नेगेट किया तो फिर कुछ भी होगा नहीं। इसलिए वो अजादवाद को वहां स्थापित किया गौड़पाद आचार्य ने, उसी का अनुसरण भाष्यकारों ने किया है। और उसके बाद गोविंद भगवत पूज्यपाद आते हैं। गोविंद भगवत पूज्यपाद के भी कोई ग्रंथ विशेष वेदांत के उनके नाम से नहीं मिलता है, लेकिन उनके शिष्य परंपरा से जो प्राप्त होता है, इससे स्पष्ट है कि वो कोई ग्रंथकार नहीं थे, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे। कि उन्होंने शिष्यों को ऐसा बनाया, भगवत पाद शंकराचार्य जैसे शिष्य बनाया, उनको ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी। तो वो तो अपने समाधिस्थ अवस्था में ही अपने जीवन बिताए होंगे,
लेकिन एक दो ग्रंथ उनके नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य विषय पर है उनका। और भगवान शंकराचार्य जी को आप जानते हैं, उन्होंने पूरे जीवन उनके गुरु के आदेश को पालन करते हुए अद्वैत परंपरा को उज्जीवित करने के लिए पूरे जीवन व्यतीत किए, ऐसे आचार्य हैं। तो आज के जो अद्वैत सिद्धांत हम जिसको लेकर के अध्ययन अध्यापन करते हैं, वो पूरा ही पूरा भगवतपाद आचार्य के वचनों के आधार पर है। और अपने जीवन में उन्होंने प्रचार किया ही है, उसके साथ में बहुत सारे शिष्यों के माध्यम से, चार शिष्य तो उनके नाम से, उनके शिष्य पट्ट शिष्य नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आप यूं समझिए कि तीन बार जो आचार्य अपने प्रभाव के साथ भारतवर्ष में यात्रा किए हो, तो उनको कितने शिष्य बने होंगे, कितने उनके भक्त बने होंगे, कितने लोग उनके वचनों से प्रभावित होकर के आत्मा का अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किए होंगे, वो तो अनगिनत है। और जो चार शिष्य हैं उनके प्रसिद्ध, तो चार शिष्यों के माध्यम से भी अनेक ग्रंथों के माध्यम से प्रचार किया। भाष्यकार के नाम से 166 जितने ग्रंथ मिलते हैं, 164 जितने ग्रंथ मिलते हैं उनके नाम से, और उनके शिष्यों के नाम से भी, जैसे सुरेश्वर आचार्य जी ने नैष्कर्म्य सिद्धि और वार्तिक ग्रंथ लिखे, बृहदारण्यक उपनिषद और तैतरीय उपनिषद पर वार्तिक लिखे, और वार्तिक ऐसा है जब तक ये वार्तिक जीवित है तब तक अद्वैत दर्शन को कोई भी खंडन करना क्या, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, इतना पक्का मन सॉलिड उनकी युक्तियां हैं, तर्क है। आप तर्क से समझना चाहें तो उस दृष्टि से, अनुभव से समझना चाहें जैसा अभी हमने अनुभव के माध्यम से सुषुप्ति अवस्था की बात की, सुषुप्ति अवस्था के बारे में ये जो कुछ मैंने कहा, ये हमारे वचन नहीं, हमारे गुरु वचन नहीं, हमारे गुरुओं का वचन है, ये वार्तिककार के ही वचन है। कितने विस्तार से कहां कहां क्या क्या उन्होंने उसमें बताया कि हम कभी किसी हालत में हम सोच ही नहीं सकते कि इतने सारे चीजें हमारे अंदर है, कि सुषुप्ति अवस्था से उन्होंने सारा ज्ञान निकाला। उसमें स्मृति कैसे होती है, वो अनुभव में कैसे आता है, स्मृति अनुभव रूप में बदलते हैं कि नहीं बदलते, उसको स्मृति कहना चाहिए कि अनुभव कहना चाहिए, अरे बाब, इसके ऊपर कितने लंबे चौड़े भाष्य लिखे, वार्तिक लिखे। ये अनुभव के बिना नहीं कह सकते, अनुभव के बिना एक्सेप्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे 12,000 से ज्यादा वार्तिक केवल बृहदारण्यक उपनिषद पर लिखे हैं और तैतरीय उपनिषद पर अलग, तो ये दोनों उपनिषद पर, उपनिषद भाष्य के आधार पर वार्तिक लिखे हैं, और नैष्कर्म्य सिद्धि उनकी अपनी स्वतंत्र रचना है जिसको ये सारे कुछ प्रकाशित है। और हस्तामलक आचार्य के नाम से हस्तामलकीय स्तोत्र प्रसिद्ध है, और पद्मपाद आचार्य के नाम से पद्मपाद आचार्य के द्वारा रचित पंचपादिका, जो ब्रह्म सूत्र चार सूत्र पर है पंचपादिका, और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र पर भी उनकी, उनका एक भाष्य है पद्मपाद आचार्य के नाम से। फिर उसके बाद तोटकाचार्य हम कथा सुने हैं, भगवतपाद के बड़े अनन्य सेवक और भक्त थे, उन्होंने श्रुति सार समुद्धरण नाम के ग्रंथ लिखे हैं, तोटक वृत्त में, छंद में, यही उनका वेदांत का ग्रंथ है। सारे विवेक चूड़ामणि में जितने कुछ भी कहा सारे उन्होंने सम्मिलित किए। फिर इसके बाद इनकी भी परंपरा से आगे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, सर्वज्ञात्म मुनि शारीरिक भाष्य पर उन्होंने संक्षिप्त शारीरिक वो लिखा है, और उसके बाद में परंपरा में आनंदगिरी टीकाकार के नाम से प्रसिद्ध है आनंदगिरी आचार्य, फिर विद्यारण्य मुनि जी, कैसे कैसे रचनाएं उनके हैं, अप्पय्य दीक्षित और वाचस्पति मिश्र
और कल्पतरुकार, परिमलकार, ऐसे 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 विस्तार से गए कि आप ये समझिए कि केवल वेदांत के ही ग्रंथों को पढ़ने के लिए, पूरा अवलोकन करने के लिए आपको पूरी जिंदगी चाहिए। इतना विस्तार है, कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। आप कोई नई चीज उसमें करने की चांस ही नहीं है। हम उसको प्रकाशित करें, उसको समझें तो कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार परंपरा है। ऐसे ही परंपरा में हम सौभाग्य से अपने अस्मद गुरु, जो बोलते हैं हमारे गुरु से हम दीक्षित होते हैं। ये श्रौत परंपरा है, गुरु शिष्य को सुनाते हैं, फिर उस प्रकार ये परंपरा आगे चलती रहे। तो इतना संक्षिप्त विचार हमने रखा। तो परंपरा के बारे में भी कहने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन अब जो है आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न जो शेष समय है उसमें पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये प्रश्न था कि जब हम चार पुरुषार्थ की बात करते हैं जी, तो पहले ऐसा होता था, मतलब जब प्रॉपर गुरु परंपरा सब पूरा अध्ययन करते थे, गुरु को जाते थे, तो उन चारों ही पुरुषार्थ को अपने जीवन में 25-25 वर्ष के उससे यापन करने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी जो हम मॉडर्न वर्ल्ड देख रहे हैं, तो नोइंगली अनोइंगली वी आर एंगेज इन ऑल दीज थिंग्स। मीन्स हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग 25 साल की उम्र में हैं तो अर्थ भी उनके हाथ में है, मतलब वो पैसा भी कमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो धर्म के प्रति भी इंक्लाइन है। तो ज़रूरी है क्या कि वो आप कॉन्शियसली ही उस काम को करो, अनकॉन्शियसली भी आप अपना उसी कार्य के प्रति अपना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो क्या वो उतना ही उसका रिजल्ट रहेगा? ये देखिए, ये जो चार पुरुषार्थ है ना, ये एक व्यक्ति के मन के जो है नेचुरल डेवलपमेंट है। ये पुरुषार्थ एक व्यवस्थित कार्य है, ऐसा नहीं है। वही मैं कहने का प्रयास किया था कि ये चार पुरुषार्थ एक नेचुरल डेवलपमेंट है अपने मन में होने वाला। तो पहले व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन का अर्थ है कि आप अपने हिताहित का ज्ञान प्राप्त करें, यही अध्ययन का सार है। तो उसमें क्या है कि उस समय गुरुकुल की बात जैसे आप कर रही है, गुरुकुल की बात ये थी कि वहाँ ये चार पुरुषार्थ के बारे में ज्ञान होता था। जैसे हम वेद पाठ अध्ययन करते हैं, उसी के साथ ही उपनिषदों का अध्ययन भी होता था वहाँ। तो जिस शाखा के वो अध्ययन करेंगे, उस शाखा के उपनिषद का भी अध्ययन होता था। वो आज नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में हम धर्म अर्थ, धर्म को रखिए, धर्म के इस स्तर पर रखिए, और अर्थ और काम के आगे कुछ सोच ही नहीं रहा। उसके आगे हमारे जीवन में क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे दिमाग बुद्धि का और क्या विकास हो सकता है, इसके बारे में हमारा सोच नहीं है। हमारे बुद्धि का विकास कहां तक टिका हुआ है? काम तक टिका हुआ है। माने जो इच्छा आती है हमारे मन में, उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या मार्ग हो सकता है, इसी पर सारा डेवलपमेंट है। इनोवेशन पूरा उसी पे आधार पर हो रहा है कि जल्दी से जल्दी हम उसको कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं, कम पैसा में कैसे कर सकते हैं, यही करते जा रहे हैं। माने काम के आगे कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास, लेकिन काम के आगे भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि पहले जमाने में वृद्ध होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद में लोग विरक्त हो जाते थे, माने सबसे उपजाना ऐसा होता था। लेकिन आजकल कुछ लोगों को हम देखा है, हमारे उत्तरकाशी में आप आइए, वहां भी बहुत सारे लोग आकर के रुके हुए हैं कि ये सब पढ़े लिखे हैं, कुछ साल नौकरी किए हैं,
और 40 के आसपास है, मन कभी 40 है, कभी कोई 35 है, कोई 50 के पास है, ऐसा वो विरक्त तो हो गया। अब क्यों हो गया? बोलते बहुत हो गया स्वामी जी, सब कुछ हो गया। अभी पिछले साल एक व्यक्ति आया, वो वहाँ बेंगलुरु में बहुत बड़ा जो है बिजनेस क्या क्या करता था, बहुत कुछ करता था। एक बार गलती से उन्होंने हमको भिक्षा में बुलाया, वहाँ हम लोग कहीं जा रहे थे, किसी के इनडायरेक्ट परिचय से अपने घर में वो बोले कि आप भोजन करने की स्थिति ऐसे आ गई कि हम बाहर से भोजन नहीं करते हैं दुकान आदि से, तो ऐसे परिचय से इनडायरेक्टली उनके पास जाना पड़ा। तो वो गाड़ी से आके हमको स्टेशन से लेके गए, अपने घर में भोजन खिलाए, बस भोजन खिलाए, हम खा करके आ गए, हमने कुछ बोला नहीं, ना वहाँ कोई शास्त्र अर्थ हुआ, ना कोई चर्चा हुई, ना कुछ भी, कुछ नहीं। वो तो बिल्कुल एक भोगमय जीवन जी रहे हैं ऐसा व्यक्ति था, बिल्कुल अच्छे फ्लैट में और पत्नी है, सब सब व्यवहार है, सब कुछ ठीक। तो खिलाया, उसके बाद उन्होंने वापस जहाँ हमको छोड़ना था वहाँ छोड़ दिया, इतना ही किया था। लेकिन ये उदाहरण मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद उसको क्या लगा कि उसके पास पैसा बहुत है, उसके पत्नी भी बहुत बड़ी नौकरी करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन के जो है बड़े व्यक्ति है, वो भी सब कुछ कर रही है, ये भी कर रहा है, सब कुछ है, और दोनों परिवार के मन माता पिता के एक एक बच्चे हैं, मैंने पत्नी की तरफ से भी वो अकेली है और इसके तरफ से भी ये अकेला है, तो आगे कुछ है ही नहीं, सब कुछ हो गया। दो तीन साल के बाद, ये शायद 4-5 साल पहले की घटना हो गई, हम लोग वहाँ गए थे। उसके बाद में जो स्वामी जी हमारे साथ में है, वो स्वामी जी मुझे बता रहा है कि आपको आपको स्मरण है, हम जो निरंजन के घर गए थे, तो वो क्या है, वो ऐसा ऐसा बता रहा है, उसकी ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, वो इधर आना चाहता, इधर आकर के पढ़ाई करना चाहता। मैंने बोला क्या हुआ, वो तो बहुत अच्छे वहाँ सब ऑनलाइन में खाना मंगा रहे थे, खा रहे थे, सब कुछ ठीक था, वो क्या हो गया अचानक? तो बोले कि वो बहुत हो गया, अब और क्या है कि इससे करते करते क्या करेंगे। अच्छा, उसका क्या था कि उसकी जो पत्नी थी वो बच्चे नहीं चाह रहे थे, आजकल का ये एक अलग फैशन है, आप लोग जानते होंगे इस विषय में, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी जब तक उसने नहीं बताया था। वो बता रहे हैं कि हम शादी करके 7-8 साल हो गए कि वो पत्नी चाहती है कि हम बच्चे क्यों पैदा करें, इधर ऐसे ही जनसंख्या ज़्यादा हो रहे हैं, आबादी ज़्यादा हो रहे हैं, हम ये कम करें तो उतना अच्छा है, ऐसा करके, और ये है जैसा भी जीवन चला रहे। तो ये डिस्कस होता रहा, सब कुछ होता रहा, बाद में इन्होंने डिसीजन लिया अब बहुत हो गया है। तो पूरा विधिवत उन्होंने किया, दोनों परिवारों को बुलाए, बुला करके बिठाए, सारे समस्याएं बताई कि मेरा जीवन में ये हो गया, मुझे अब इच्छा नहीं, मैं हिमालय जाना चाहता हूं, और ऐसा तब वो सब बोलने लगे ये गलती हुआ, वो दोनों स्वामी जी को आप भिक्षा दिलाए, यही दिखाई पड़ा, तो वो परिचय हो गया। हमने कुछ नहीं बोला, सत्य में बोल रहा हूँ, हम तो ना उनके कोई विषय में इंटरफियर किया, ना यहाँ तक भी नहीं पूछा तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो, हमें तो भिक्षा से मतलब था, भिक्षा खिलाया उन्होंने बढ़िया से और गाड़ी में छोड़ दिया, खाली नाम और दूसरे स्वामी जी को याद था, उनके थोड़ा परिचय था इसलिए, बाकी तो हमें कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन उसने देखा कि ये लोग देखो बेचारे उनके पास कुछ नहीं है, तो ये ऐसा बड़े आनंद से हम बड़े मस्ती से आया और वो सब कुछ कर रहे, तो कुछ लगा होगा उनको, हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भौतिकता के उस ओर थे वो, और ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और सब मिलाकर मीटिंग किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है पत्नी भी मान लिया, और आप जाना चाहते जाइए, कोई क्योंकि उनको तो सब कुछ व्यवस्था है, और जो कुछ पैसा इन्होंने कमाया था, जो डिपॉजिट किया था, सब कुछ उन्होंने दे दिया, उनको परिवार को दे दिया, माता पिता को भी दे दिया, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया और छोड़ दिया। अब आकर के यहाँ सफ़ेद कपड़ा पहन के अब वानप्रस्थ बन के अध्ययन करना शुरू कर दिया, अभी हमारा जो है सारा जो है कंप्यूटर का काम ये सब जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बड़े एक्सपर्ट है वो। तो देखिए काम में एक स्थिति में पहुँचने पर वहाँ से विड्रॉ होना ही पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को विलंब से होता है, ययाति को तो कई जन्म लेना पड़ा, ययाति तो उसमें लगे रहे, वो कई जन्म लेकर के अपने पुत्र के भी युवत्व तो लेकर के भोग करते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा, ये काम बड़ा शत्रु है। तो ये एक प्रोसेस है, वो कब आप प्राप्त करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अब क्या है, अब की जो विषय बोलता हूं कि यहां आने पर ये कामनाओं को छोड़ने की स्थिति मन में प्रकट होने पर क्या करना चाहिए,
ये लोगों को पता नहीं चलता, ये जानकारी उनको नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि इतनी जानकारी उनको हो जाए कि जब आप विरक्त हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए आपके, आपको लगे कि ये बहुत हो गया, ऐसा हो जाए तो आपको आगे करना क्या है ये आपको दिखाई पड़े। बस इतना ही हम नॉलेज देना चाहते, तब उसी के द्वारा आप आगे जा सकते। जब रास्ता नहीं मिलता तो भड़क जाएंगे। बस यही चतुर्थ पुरुषार्थ का है। ये भी आज के एजुकेशन में नहीं है, इसलिए आपको अलग से ट्यूशन लेना पड़ेगा। इसके लिए ट्यूशन लेना पड़ेगा। ये ट्यूशन की व्यवस्था अभी न्यास के द्वारा कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम ऐसा ट्यूशन देते रहेंगे। इसके बाद आगे क्या करना है वो आपको मिल जाएगा। ओके, हरि ओम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी आज की अवस्था क्या है, मेरी आज की अवस्था क्या है, और मैं आज की अपनी अवस्था का क्या प्रमाण दे सकता हूँ? क्या प्रमाण है कि मेरी जो अवस्था है वो जागृत अवस्था है, या मेरी जो ये अवस्था है वो भी स्वप्नावस्था है? क्योंकि स्वप्नावस्था में भी हमें यह आभास नहीं होता कि हम जागृत हैं, उसमें भी हमें यह लगता ही है कि हम अपने जो स्थूल शरीर है उसको धारण कर रहे हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी कार्य कर रहा है, तो इसका क्या प्रमाण दे सकते हैं हम? बिल्कुल, आपने यह जो प्रश्न किया यही प्रश्न जनक महाराज ने अष्टावक्र से किया था। कि जनक महाराज ने अष्टावक्र को यह पूछा कि आप ये बताइए कि मैं जो रात में जो जिस दुनिया में जाता हूं वो सत्य है, अथवा अब जो जहां हूं ये सत्य है? ठीक जैसा आप पूछ रहे हैं वैसे प्रश्न उन्होंने किया था। तो हम ये कहेंगे इस समय आप जिस अवस्था में हैं इस अवस्था को ही हम जागृत बोलते हैं। ये अवस्था अपने आप में सत्य है, तात्कालिक रूप से तो सत्य है, तात्कालिक माने लिमिटेड टाइम के लिए, जब तक आप स्वप्न में प्रवेश नहीं करते। और इन कंपैरिजन विद ड्रीम, मतलब स्वप्न के साथ जो तुलना दृष्टि से हम देखेंगे, जागृत में हमारे शरीर, इंद्रियां, प्राण तो है ही, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी मिलकर के काम करते हैं। ये सभी के एक्शन यहां है, कहां? जागृत में। इस अवस्था को इसलिए हम जागृत बोलते हैं, जिस अवस्था में स्थूल शरीर, मन, इंद्रिय आदि ये सभी मिलकर के जहां काम करते हैं उस अवस्था को हम बोलते हैं, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बोलते हैं जागृत। माने ये जागृत जो अवस्था है, वेकिंग स्टेट, ये डिफाइंड है, इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक है। अब जब उसके बाद आप स्वप्न में जाते हैं, आप कह रहे हैं जागृत के समान ही सब कुछ वहां भी होता है, तो स्वप्न में कुछ फर्क है। स्वप्न में क्या फर्क है कि स्वप्न में आपको स्थूल शरीर नहीं है, यानी तो ये जो जितने भी तत्व हैं उनमें स्थूलत्व जो तत्व था वो नहीं है। आपके पास मन है, और मन में इंद्रियों के जो है सार वासनाएं हैं उसका आप वहां अनुभव करते हैं। जैसे आप फोटो लेते हैं ना, कैमरा में फोटो लेते हैं, तो फोटो लेते समय बाहर का दृश्य है, तो बाहर का दृश्य को फोटो खींचता है, फोटो खींचने के बाद में वो उसके मेमोरी में चले जाता है, ठीक वैसे के वैसे। उसके बाद आप रील करके उसको देख सकते हैं, तो जो आपने बाहर देखा, फोटो खींचा, बिल्कुल वैसे के वैसे आएगा, लेकिन दोनों में अंतर होता है। रियलिटी कंपैरिजन करके देखेंगे तो जो फोटो में आया हुआ है वो केवल एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम मात्र है, उसमें दिखेगा सब कुछ वैसे, लेकिन अनुभव में बाहर का इसमें अंतर है। इस प्रकार से प्रत्येक स्टेट ऑफ अवेयरनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को उसके एडिशनल फैक्ट्स को लेकर के अलग करते हैं, माने क्या क्या उसमें जुड़ता है, क्या क्या नहीं जुड़ता है, तो इसीलिए ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको दोनों में एक समानता दिखेगी, दोनों में अनुभव करने वाले आप एक हो, जागृत के अनुभव करने वाले भी आप ही हो, उन सभी
इंद्रियों आदियों के साथ और स्वप्न में अनुभव करने वाले भी आप ही हो, इसलिए आपको लगता है कि ये सही है कि वो सही है। बस इतना ही है, दोनों अवस्था अपने अपने डिफाइंड अवस्था है। आत्मा की दृष्टि से कोई अवस्था नहीं है, यानी आपके दृष्टि से आप अवस्था से परे हैं, आप दोनों को देखने वाले हैं। जैसा आपने बाहर देख करके आया अंदर, अभी अंदर के देख रहे हो, बाहर बाद में बाहर जाओगे तो दोनों आपको दिखाई देगा, दोनों का दृष्टा है। बस इतना ही वहां सत्य है, बाकी दोनों अवस्थाएं अपने अपने स्तर में डिफाइंड होता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी। हरिओम स्वामी जी, आपने काफी बातें बिल्कुल वेदांत के हिसाब से डायरेक्ट कही। मेरा सवाल ये है कि जीवन क्या है वेदांत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वेदांत? बिल्कुल हम बिल्कुल किसी को समझा पाए कि ये जीवन वेदांत के हिसाब से? बिल्कुल, आपके प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है और मैं चाहता हूं ऐसे डायरेक्ट प्रश्न हो कि क्या है जीवन होना या पूछेंगे तो वेदांत डिफाइन सिटास जीवनम प्राणधारणम, जीव प्राणने, यही भाष्यकार अर्थ करते हैं। आप गीता भाष्य में देखेंगे जीवनम, जीवन मन लाइफ क्या है, लाइफ प्राण को धारण करना, प्राण चलना ही लाइफ है। यानी हमारे शरीर में प्राण चल रहा है, इसके कारण शरीर चल रहा है, शरीर में क्रियाएं हो रही है और बाकी तो आप साइंस इसका साइंस तो जानते हैं, इसमें कैसे कैसे होता है, तो उसके जो फिजियोलॉजी जो है, वो एनाटॉमी जो है, वो सब उसमें काम करता है, तो उसी के अनुसार वो काम करता है, इसी को जीवन कहते हैं। अब जीवन का कर्तव्य क्या है, यदि आप उस दृष्टि से देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्म है उस कर्म के अनुसार, अवस्था के अनुसार कर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो जीव प्राण धारणे ये सबके लिए समान है, जिसके अंदर प्राण है उसको हम जीवन बोलते हैं और जिसके अंदर मन बुद्धि है उसको हम बुद्धिमान कहते हैं, जैसे मनुष्य आदि है, प्रत्येक प्राणी में अपने अपने हिसाब से बुद्धि आदि है, तो ये सब एडिशनल है, जीवन का अलग अलग स्तर है वो, लेकिन जीवन का अर्थ प्राण धारण मात्र है। स्वामी जी हरिओम, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था कि जैसे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बढ़ती बढ़ती उम्र के साथ आत्ममलिन होती जाती है, मन मलिन होता जाता है, तो अपन कैसे आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं समय के साथ साथ? और आजकल समय कोई भरोसा नहीं, आदमी सोचता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा, आजकल जवानी भी आदमी जा रहा है, तो अवगत कराए। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, समय कभी किसी के अधीन नहीं होते, इसलिए जो समय हमें मिला हुआ है उस समय को हम जो जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें बंटवारा करके बांट करके देना चाहिए। अर्थात यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना भी चाहते हैं अपने जीवन में, तो आज से ही आपके जीवन में, अपने शेड्यूल में, रूटीन में आत्मज्ञान के चिंतन के लिए एक परिसीमित समय को रखा जाए। उसमें आप उन ग्रंथों का अध्ययन करें, ऐसे संतों का, ऐसे मार्गदर्शकों का सान्निध्य प्राप्त करें, उससे आप साधन प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधन के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई अवस्था नहीं होती है, कोई देश नहीं होता है, कोई काल नहीं होता, लेकिन करना होता है तो करना है, तो इसलिए आज ही आप इस उद्देश्य को भी, इस लक्ष्य को भी अपने नित्य शेड्यूल में सम्मिलित करें, यही उसके लिए एकमात्र मार्ग है।
स्वामी जी एक प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूँ, सब क्यों हो गए? स्वामी जी ये कॉन्शियसनेस को लेके, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कई ऐसे शब्द कई वेदांत के स्कूल्स में आते हैं, पर कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस है, उसके तो लेवल्स जो है मुझे लगता है कि जो एसोसिएटेड अंडरस्टैंडिंग उसके आधार पर हम उस कॉन्शियसनेस को डिफाइन करते हैं। तो एक बड़ा सुंदर शब्द है, मुझे लगता है कि उस अल्टीमेट जो प्योर कॉन्शियसनेस है या जो अल्टीमेट रियलिटी है वो जब अनुभव होता है तो कुछ रहता ही नहीं। तो एक शब्द है चिदाभास, जो चित्त का आभास जहाँ मिलता है, जहाँ हम क्लोज टू कॉन्शियसनेस होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चिदाभास अवस्था यदि अंतिम प्रश्न के रूप में हम सबकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। ये जो चिदाभास शब्द है ये परम पूज्य विद्यारण्य महास्वामी जी ने अपने पंचदशी नाम के ग्रंथ में प्रयोग किया है। पहले मैं इस शब्द का अर्थ जरा बताता हूं, क्योंकि उस शब्द का अर्थ को सही नहीं समझेंगे तो फिर उसका डिफाइन करना मुश्किल होगा। चित्त आभास, ये दो शब्दों का संयोग है, चित्त आभास, चित्त मन तकार हलंद बोलते हैं हम संस्कृत में, चित्त आभास। चित्त शब्द का अर्थ होता है सबसे सूक्ष्म शब्द, जो कोई विशेषण के बिना बिल्कुल शुद्ध रूप में चैतन्य को कॉन्शियसनेस के लिए प्रयोग करने वाला शब्द है चित्त। इससे कोई छोटा शब्द अभी हो नहीं सकता, यानी कॉन्शियसनेस आस इट इज जब हमको कहना होगा तब हम चित्त कहते हैं, ठीक है। ये हो गया चित्त। अब ये चित्त का ये जो कॉन्शियसनेस आस इट इज ये जो है ना, ये निर्विकार होता है, निर्विकल्पक होता है, निष्क्रिय होता है, निर्विशेषण होता है इसका, माने कुछ भी उसमें नहीं। ये जो चित्त है कॉन्शियसनेस आस इट इज, क्योंकि इसके लिए कोई इंग्लिश में शब्द नहीं है इसलिए हम कॉन्शियसनेस आस इट इज ही बोल सकते हैं उसको। तो यह अज्ञान को निवारित नहीं करता है, ये अज्ञान से विरोध भी नहीं है इसका, इसको किसी से कुछ विरोध नहीं, न ज्ञान से इसका संबंध है, न अज्ञान से इसका संबंध है, न कार्य से संबंध है, कुछ से संबंध नहीं, ये बिल्कुल निर्विकार है, केवल एक बोध मात्र है आपके अंदर। ये बोध होगा कि मैं हूं, ये बोध होगा, वो भी फिर भी वृत्ति है। इसी को चित्त शब्द से हम प्रयोग करते हैं, जो सत चित्त आनंद में प्रयोग किया हुआ सिद्ध शब्द है, आसिटिस है। अब इसको लेकर के कोई व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता, इसको लेकर के कोई कार्य डिफाइन नहीं कर सकता, केवल चित्त को लेकर के, ओके। इसीलिए विद्यारण्य महास्वामी जी ने जीव को डिफाइन करने के लिए, माने चैतन्य को डिफाइन करने के लिए चिदाभास बनाया। तो ये जैसा अभी आपने उल्लेख किया ही, ये चित्त में कोई डिग्री नहीं होते हैं, यानी कोई अलग अलग लेवल नहीं होते हैं। कई बार भाष्यकार इसको कहते हैं भाष्य में कि ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में कोई लेवल नहीं होता है, यानी एक लेवल की ब्रह्म विद्या, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, कोई लेवल नहीं इसका। भाष्यकार तो सीधा बोलते हैं कि यदि आप लेवल की कल्पना करते हैं तो आपको वो ब्रह्म विद्या नहीं हुई है, अब आपको और प्रयत्न करना है उसको प्राप्त करने। जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन लाते हैं तो आपको दो है, वहां दो होने के कारण वो पूर्ण नहीं हो सकते,
पूर्ण में कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता है। ये तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं, यदि पूर्ण है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहां से आएगा, वो तो है ही नहीं। इसीलिए आज मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ, पहले इतना नहीं था, आज और हुआ, कल और होंगे, ऐसे ऐसे करके जो हम कंपैरिजन करते हैं ये बुद्धि को लेकर के हैं। उस ज्ञान में बुद्धि की प्रवृत्ति जितनी हुई है उतने में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस आज इट इज में कुछ कंपैरिजन नहीं, इसलिए शुद्ध कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद उसका प्रतिभान हमें होता है कि मैं हूं, ऐसा प्रतिभान होता है, मैं आत्मा हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं सबका दृष्टा हूं, मैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं को जानता हूं और बाल्य अवस्था से लेकर के मैं एक ही चला आ रहा हूं। यह सारा भान हमारे अंदर है, इसी को लेकर के हमने अपने व्यक्तित्व बनाया है, यह भी कॉन्शियसनेस ही है। यह कॉन्शियसनेस है रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, इसको हम कहते हैं वृत्ति ज्ञान। ये भी ज्ञान है लेकिन ये वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति ज्ञान क्या होता है? वृत्ति ज्ञान कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के होता है, विद ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी शब्दार्थ वहां रहेगा, कोई कंसेप्ट वहां रहेगा, कोई आइडिया वहां रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा। वो ज्ञान है, वो भी वृत्ति ज्ञान है। जो कुछ अभी आपने सुना, सुनने के बाद अभी आपको जो ज्ञान हुआ, ये कौन सा ज्ञान के कैटेगरी में आएगा? वृत्ति ज्ञान के कैटेगरी में आएगा। ये वृत्ति ज्ञान जब तक निष्ठा में परिवर्तित नहीं होता है, विश्वास में परिवर्तित नहीं होता है, तब तक ये वृत्ति ज्ञान बह जाता है। माने आज ऐसा हो गया आपको, कल ये सब भूल सकते हैं, फिर कभी कभार एक बार फिर याद हो सकती है, और कोई सत्संग सुनते हैं समय फिर आप याद करेंगे। ये जाएगा आएगा, इसमें कम ज्यादा ये सब होने की संभावना है, इसलिए वृत्ति ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं करना, ये बहने वाला ज्ञान होता है। और ये ज्ञान को जो प्राप्त करता है वो चिदाभास है, यानी इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। तो चिदाभास के द्वारा हम चित्त में पहुंचते हैं, क्योंकि वृत्ति ज्ञान के बिना ब्रह्माकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति है, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति। जैसे आप इसको दे करके, ये हम माइक है, ऐसा ज्ञान होता है, आप ये माइक है, माउथपीस है ऐसा, तो इसको देके जो ज्ञान आपको हुआ, ऐसे ही शब्द सुनने से आपके दिमाग में एक ज्ञान हो गया, वो व्यापक दृष्टि में हो गया, आप सभी में व्याप्त उसको जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। ब्रह्म पुरस्ताद, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्मोत्तरतः, ब्रह्म दक्षिणतः, इदं सर्वं ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ऐसा जो भाव होता है इसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। ये वृत्ति वो चित्त ज्ञान में पहुंच जाएगा, और वहां पहुंचने पर यह वृत्ति का भी कोई मतलब नहीं, वृत्ति चले जाए तब भी आप ज्ञानी रहेंगे। अब आपको वृत्ति चले जाए तो आप ज्ञानी नहीं, आप भूल गए ये सब, तो आप फिर वेदांत के ज्ञानी नहीं रहे। कैसे कह सकता किसी, कोई जो है डॉक्टरी पढ़ा, MBBS, MD सब पास हो गया, लेकिन उसको कुछ करने का मौका आ गया तो सब कुछ भूल गया, तो वो डॉक्टर है कि नहीं है? नहीं कह सकते, तो है ही नहीं, वो बिल्कुल जीरो है, उस विषय में उसका नहीं है, ऐसा है। तो ये होता है तो पूर्ण होता है, और नहीं होता है तो नहीं होता, ऐसा मेरा वचन नहीं, भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ तो होगा तो पूर्ण ही होगा, जब तक वो नहीं हुआ तब तक आप उसको समझना है कि अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, वो है। तो चिदाभास को आप जीव भी समझ सकते हैं, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस भी समझ सकते हैं, अंतःकरण प्रतिबिंबित समझ सकते हैं। जो हमारे वृत्ति ज्ञान जितने भी, और वृत्ति ज्ञान को सारा जानने वाला समझ सकते हैं, तो ये सारे हैं चित्त में। ये कोई भी डेफिनेशन और वेरिएशन नहीं होता है।
एक रूप में है, इस प्रकार दोनों का अर्थ समझ सकते हैं।